जय महाकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। आज का मेरा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अप्लाई करने वाले हैं BSF कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन 2700 प्लस। आप लोग की वैकेंसी मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। एज वगैरह की जानकारी, क्वालिफिकेशन 10th प्लस एक्सपीरियंस है 2 साल का, तो आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोग को प्रोवाइड कराई है, आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लिंक दिया हुआ है BSF की रिक्रूटमेंट, इसके अलावा इसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे इसकी जानकारी भी दी हुई है। तो यदि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हैं तो एक बार वीडियो जरूर देखिएगा ताकि किसी प्रकार की आप लोगों को कोई मिस्टेक ना हो। इसके अलावा भी बहुत से वीडियोस हैं आप लोग के लिए जो इंपॉर्टेंट हो, वो वीडियो आप लोग जरूर देखिए। फॉर्म अप्लाई में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो, फॉर्म अप्लाई के बाद जो है आप लोग अपनी प्रिपरेशन में लग जाए। तो बहुत से क्वेश्चंस अभी भी आ रहे हैं तो मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं। जो जो क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैं अपने आज अपनी इस वीडियो में लेने वाला हूं ताकि आप लोग उन क्वेश्चन से पूरी तरीके से उसका आप लोग को आंसर मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, रिक्रूटमेंट आप लोगों को पता होनी चाहिए 2700 प्लस है और 10th प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोग अप्लाई करते हैं। ट्रेड वाइज वैकेंसी है, स्टेट वाइज वैकेंसी है, अलग अलग ट्रेडों में अलग अलग स्टेटों की अलग अलग वैकेंसी है, ठीक है। पूरी जानकारी मैंने आप लोग अपने वीडियोस में दी है, वो वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं कितने कितनी वैकेंसी है यहाँ पे, किस किस स्टेट में किस किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। तो बच्चे फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, बहुत सी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो है 2 साल का एक्सपीरियंस। यहाँ एक्सपीरियंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एक्सपीरियंस के बारे में मैंने आप लोग को बताया, उसके ऊपर भी वीडियो बनाया है कि एक्सपीरियंस आप लोग जो है अपने आप बनवाइए और सही जगह से बनवाइए, अपनी मेहनत से बनवाइए, कोशिश कीजिए, आप लोग का सर्टिफिकेट जरूर बनेगा। फॉर्मेट वगैरह मैंने आप लोग को अपलोड किया है, वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग का जो है रजिस्टर्ड संस्था है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। मोहर वगैरह, फॉर्मेट वगैरह सब कुछ जो जो चीज़ें बताइए आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अब सर्टिफिकेट को लेकर के स्टूडेंट अभी भी परेशान है, क्या सर सर्टिफिकेट पुराना है तो चल जाएगा, क्योंकि इससे पहले आप लोग की एक SSB की रिक्रूटमेंट भी आई थी तो बच्चों ने SSB में भी अप्लाई किया था। इसके अलावा CRPF की भी एक रिक्रूटमेंट आई थी पैरामेडिकल की, उसमें भी बच्चों ने अप्लाई किया था 2020 में। तो 2020 में जब उन्होंने अप्लाई किया तो एक्सपीरियंस उनका जो है 2018-19 का है, 19 से 20 तक का है, तो इस वजह से परेशान है। तो देखिए आज मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर कर दूँ, एक्सपीरियंस आप लोग का 18 का हो, 17 का हो, 19 का हो, 20 का हो, किसी प्रकार की आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि 2021-22 में वैकेंसी आई है तो आप लोग को 2021 का एक्सपीरियंस चाहिए, जी नहीं। एक्सपीरियंस आप लोग का ओल्ड है तो भी कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं होना चाहिए, एक्सपीरियंस आप लोग का ठीक ठाक होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। ओनली और ओनली एक्सपीरियंस मांगा गया है, ऐसा आप लोगों से नहीं कहा गया कि इस डेट से इस डेट का, मीन्स हमें स्पेशली 2022 का ही एक्सपीरियंस चाहिए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। तो एक्सपीरियंस ओल्ड है फिर भी आप लोग मत घबराइए, फॉर्म अप्लाई कीजिए, डॉक्यूमेंट स्कैन कराइए, अपलोड कीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट का क्या साइज होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया और डॉक्यूमेंट वाला वीडियो आप लोग देखिए, जरूर देखिए, ताकि किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो ऑनलाइन अप्लाई करते समय। अब इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, मैंने आप लोग को BSF के सिलेक्शन प्रोसेस और सिलेबस पे वीडियो बनाया है कि क्या सिलेबस है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, पूरा स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। फर्स्ट में आप लोग का क्या क्या होगा, सेकंड स्टेप में क्या होगा, थर्ड स्टेप में क्या होगा, वो वीडियो आप लोग देखिए, आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, A to Z जानकारी आप लोग को उस वीडियो में मैंने दी हुई है। BSF सिलेक्शन प्रोसेस एंड सिलेबस आप लोग देख सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। तो अभी भी बच्चे कंफ्यूजन में कि सर सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले यदि आप लोगों ने ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है या फिर ऑनलाइन अप्लाई करने वाले हैं तो सबसे पहले आप लोग का फिजिकल होगा, बिल्कुल इसे नोट करके रख लीजिए, आगे की टेंशन मत लीजिए। फिजिकल होगा, सबसे पहले आप लोग की यहाँ पे रनिंग होने वाली है, ये बच्चों के माइंड में बहुत जल्दी घुसता है। जी हाँ, सबसे पहले आप लोग की यहाँ पे रनिंग होगी, 5 किलोमीटर की रनिंग। यदि मेल कैंडिडेट हैं आप लोग को 24 मिनट का टाइम मिलेगा और फीमेल कैंडिडेट है तो 1600 मीटर 8.5 मिनट का टाइम मिलेगा। तो अभी आप लोग बिल्कुल पूरी तरीके से समझ गए होंगे, सबसे पहले आप लोग का फिजिकल मींस आप लोग की रनिंग होने वाली है, तो रनिंग पे आप लोग फोकस रखिए, ठीक है। हाइट वेट चेस्ट होगा तो हाइट तो आपकी ठीक ठाक होनी चाहिए, चेस्ट भी ठीक होनी चाहिए, इसके साथ साथ आप लोग का ट्रेड टेस्ट भी होगा। तो ट्रेड के साथ साथ आप लोग फिजिकल पे रनिंग पे भी पूरा पूरा ध्यान दीजिए, सबसे पहले यही होना है। उसके बाद आप लोग का आगे का प्रोसेस है, रिटर्न वगैरह होगा, ठीक है, फिर मेडिकल होगा, वो आप लोग के नेक्स्ट स्टेप है। तो सबसे पहले आप लोग का फिजिकल यानी कि रनिंग और ट्रेड टेस्ट है। अब मैंने सर्टिफिकेट को लेकर की बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, क्योंकि सर्टिफिकेट में ही प्रॉब्लम आ रही है। 10th तो आजकल सभी बच्चे कर ही लेते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस को लेकर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है।
सर मैंने ग्राम पंचायत से बनाया है, क्या मेरा वैलिड होगा नहीं होगा? तो देखिए, अनुभव प्रमाण पत्र आप लोगों ने कहीं से भी बनाया है, वैलिड जगह है, ठीक है, आप लोगों ने वर्क किया हुआ है, रजिस्टर्ड है, या जब भी आप लोग का वहाँ पे वेरिफिकेशन होता है तो वहाँ से उन्हें जेन्युइन जवाब मिल जाता है। जो आप लोग का पैड है उस पर आप लोग का बकायदा एड्रेस होना चाहिए, जो आप लोग की ग्राम पंचायत है क्या एड्रेस है, जो मतलब रजिस्टर्ड जो भी नंबर वगैरह यदि कोई है तो मोबाइल नंबर वगैरह पूरी तरीके से मतलब एक फॉर्मेट होना चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने ग्राम पंचायत से बनाया, कहीं से बनाया, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रॉब्लम तब आती है जब वेरिफिकेशन में जब आप लोग के जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने बनाए हैं वो वेरीफाई नहीं हो पाता, तब प्रॉब्लम आती है। तो इसी वजह से मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोग खुद प्रयास कीजिए, अपनी मेहनत से बनाइए, ऐसा ना हो कि फर्जी सर्टिफिकेट के चक्कर में आप लोग जब आप लोग का कभी आगे आप रिटर्न मेडिकल क्लियर कर जाएं और सर्टिफिकेट आप लोग का वेरिफिकेशन हो तो ना आप लोग जिससे आप लोगों ने बनवाया है ना आप लोग उसे जानते हैं, कहां से बनाया वहां वो भी नहीं जानते, तो आप लोग कैसे वेरिफिकेशन करवाएंगे, आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अपनी मेहनत से बनाइए, कोशिश कीजिए और जहां से भी बना रहे हैं उन्हें इस चीज़ के लिए अलर्ट कीजिए कि जब भी मेरा वेरिफिकेशन हो तो आप इसे वेरीफाई कर दें, कहीं से भी आप लोगों ने बनाया हो, ठीक है, कहीं से बनाओ कोई दिक्कत नहीं, ग्राम पंचायत से आप लोग का चल जाएगा। लेकिन जैसा मैंने बताया एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर वगैरह और उनका पैड वगैरह है तो बहुत ही अच्छा रहने वाला। इसके अलावा बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है कि सर मेरी एज जो है 17 साल 11 मंथ हो गई है, ठीक है, मेरी एज 17 साल 11 मंथ है या फिर मेरी एज 23 साल 1 मंथ हो गई है, ठीक है। जनरल वालों कैंडिडेट की जो है 18 से 23 साल एज मांगी जाती है, यानी कि 18 साल के हो, 18 एक मंथ दो मंथ तीन मंथ 19 साल 20 साल 21 साल 22 साल 23 साल 18 से 23 साल तक आप लोग हैं, जनरल कैंडिडेट हैं तो आप लोग यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल नॉर्मल एकदम इजी वे में बता रहा हूं। 18 से 23 साल जनरल वालों की एज यहां पे होनी चाहिए, ओबीसी वाले 18 से 26 साल, एससीएसटी वाले 18 से 28 साल तक यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम आ रही है कि सर मेरे 17 साल 11 मंथ हो गए हैं तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूं, या फिर मेरे 23 साल 1 मंथ या फिर 23 साल 2 दिन हो गए हैं, 23 साल 3 दिन हो गए तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ, या फिर आप लोग ओबीसी से हैं तो 26 साल 1 दिन 26 साल 2 दिन 26 साल 3 मंथ 4 मंथ इस तरीके से हो गए, या फिर आप लोग एससीएसटी से हैं तो 28 साल 1 दिन 2 दिन 1 मंथ 2 मंथ इस प्रकार से हो गए हैं तो क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ? तो देखिए मैं आप लोग बताऊँ तो गवर्नमेंट के जो रूल्स होते हैं और जो क्राइटेरिया होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है, ठीक है, इसमें किसी एक बंदे का हाथ नहीं होता कि आपने किसी प्राइवेट जॉब में जा रहे हैं और आप लोग कोई चेंजेस हो जाए तो आप लोग मतलब एडजस्ट कर सकते हैं, जी नहीं, गवर्नमेंट ने जो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जो चीज़ आप लोग को गाइडलाइन दे दी गई है बिल्कुल उसी पे आप लोग को अडिग रहना है। 18 साल से यदि आप लोग एक दिन भी कम है, 17 साल 11 मंथ 29 दिन के भी आप लोग हैं तो भी आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, 18 साल आप लोग की कंप्लीट होनी चाहिए, 18 साल या फिर 18 साल 1 दिन 18 साल 2 दिन 1 मंथ 6 मंथ 23 साल तक, और 23 साल 1 दिन भी आप लोग ज़्यादा हैं तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, मेरी बात को समझ गए, 18 से 23 में ही आप लोग को रहना है, बिल्कुल क्लियर। एज आप लोग की 1/8/2021 को काउंट होगी, यानी कि 1/8/2021 को आप लोग 18 से 23 साल हो, जनरल वाले ओबीसी वाले 18 से 26 साल, एससीएसटी वाले 18 से 28 साल रहने वाले। अब ये चीज़ आप लोग के माइंड में बैठ गई होगी कि गवर्नमेंट ने यदि लिख दिया 18 से 23 तो 18 से 23 रहेगा, चाहे एक दिन कम हो एक दिन ज़्यादा हो, नहीं चलेगा। चलिए, एज को लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, क्या सर हमने ग्रेजुएशन कर ली है तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जब आपने ग्रेजुएशन करी है तो पहले आप लोगों ने हाई स्कूल करी, उसके बाद इंटर करी, इंटर के बाद ही तो आप लोग ग्रेजुएशन पे पहुँचे हैं। तो ये जो जॉब निकली है इसमें आप लोगों से हाई स्कूल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि जो बच्चे हाई स्कूल पास हैं वो अप्लाई कर लें। आपने ग्रेजुएशन कर ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग इसके लिए एलिजिबल नहीं है, आप लोग एलिजिबल हैं, टेंथ तो आपने भी करी है, वो बात अलग है कि आप लोग उन बच्चों से ज़्यादा पढ़ चुके हैं, ट्वेल्थ ग्रेजुएशन आप लोगों ने कर ली है, लेकिन आप लोगों ने भी टेंथ की है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने मौका दिया है ओनली और ओनली टेंथ पास वाले स्टूडेंट्स के लिए और जिनके पास एक्सपीरियंस हो, लेकिन आप लोगों ने ज़्यादा पढ़ लिया है तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अप्लाई कीजिए कोई दिक्कत नहीं, ओनली आप लोग टेंथ पास होने चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस सभी ट्रेडों के लिए मस्ट है, नोट करके रख लीजिए।
हाँ एक्सपीरियंस ज़्यादा है, बहुत से स्टूडेंट ने जो है ना एक्सपीरियंस 3 साल का है, 4 साल का, इस तरीके से भी। तो सर एक्सपीरियंस ज़्यादा है तो भी चल जाएगा? बिल्कुल चल जाएगा। देखिए गवर्नमेंट ने बोला है हमें मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है, मिनिमम 2 साल का। आपके पास 2 साल, 6 मंथ है, 3 साल है, 3.5 साल है, 4 साल है, 5 साल है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होगी। 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोग को होना चाहिए, 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। बहुत से स्टूडेंट को ये भी प्रॉब्लम है कि सर मेरे पास 1 साल का है, या 1 साल 6 मंथ का है, 1 साल 9 महीने का है, 1 साल 11 महीने का है, तो ये नहीं चलेगा। 2 साल आप लोगों को करवाना पड़ेगा, 2 साल का एक्सपीरियंस आप लोग को चाहिए, 2 साल या फिर 2 साल से ज़्यादा जितना भी हो, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जितना भी हो। एक्सपीरियंस को लेके एक चीज मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, एक्सपीरियंस आप लोग बनवा रहे हैं जब आप लोगों ने 10th पास करी है, उस ईयर का एक्सपीरियंस नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने 10th रेगुलर करी है तो उस साल का एक्सपीरियंस आप लोग का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 2 जगह वर्क नहीं हो सकता। बिल्कुल क्लियर मैं आप लोगों को कर दूं। इसके अलावा क्वेश्चन है आप लोग का WCO WM का क्या मतलब है? तो WCO WM का मतलब पता होना चाहिए। WC मतलब वाटर कैरियर, WM का मतलब वाशरमैन, ठीक है, WC का मतलब वाटर कैरियर, WM का मतलब वाशरमैन, क्लियर बिल्कुल। इसके अलावा डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए ऑनलाइन अप्लाई के टाइम, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया हुआ है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, किस किस साइज के होने चाहिए, कैसे 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 अपलोड करना है, पूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी हुई है। वो वीडियो देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आप लोगों को लिंक दिया है, पूरी जानकारी आप लोगों को मेरे चैनल पे मिलेगी। चैनल पर नए हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, बेल आइकन वाला बटन जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोग को समय से पहले प्राप्त हो जाए। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, आने वाले वीडियोज़ में दूसरे क्वेश्चंस लेंगे, तो अभी मैं आप लोगों से विदा लेना चाहूंगा। जांच पे लिखूंगा यदि चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव आप लोग लेते हो। इसके अलावा भी कोई आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही तो कमेंट कीजिए, मैं आप लोग कमेंट रीड करने के बाद उसके जवाब एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा। ओके भाई, थैंक यू।